So hello friends and welcome back to the another short video tutorial related to Samsung M31S and I think Samsung के almost जो दूसरे mobiles भी हैं जिनके अंदर ये feature नहीं है which is ऑटो एक्सपोजर लॉक। अगर आप देखें तो मैं अगर आपको सैमसंग की स्क्रीन दिखाऊं M31S की तो यहाँ पे आपको अगर मैं इसको दबा के रखूँ फोकस वाले बटन को तो यहाँ पे फोकस लॉक का बटन कहीं पे भी नहीं आता। जैसे हमारे मेरे सैमसंग S9 प्लस में आता है यहाँ पे एक लॉक आ जाता है विच मीन्स के ऑटो एक्सपोजर इज लॉक नाउ। ऑटो फोकस लॉक ऑब्वियसली ये हो जाता है जब भी आप प्ले बटन दबाते हैं इसका रिकॉर्ड बटन दबाते हैं लेकिन ऑटो एक्सपोजर लॉक का ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिखता सैमसंग M31S में। लेकिन देयर इज़ अ ट्रिक, देयर इज़ अ स्मॉल ट्रिक इन सैमसंग M31S जिसकी वजह से आपका ऑटो एक्सपोजर लॉक ऑप्शन इसके अंदर इनबिल्ट है जो सैमसंग ने दिया है। सो लेट मी शो यू दैट फीचर। फर्स्ट आई विल शो यू कि अगर बिना एक्सपोजर लॉक करे मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाता हूँ तो आपको कैसा एक्सपोजर मिलता है। लेट सपोज यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ये वॉल है तो मैं वॉल के पीछे से अपना फ्रेम को लेके आऊँगा और अपना ईसा खान टूम दिखाऊंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे कि दोनों के एक्सपोजर में कितना चेंज आता है और कितना फ्लिकर आपका आता है आपकी वीडियो के अंदर। सो चलिए फोकस करते हैं पहले एंड यहाँ पे हम दबा देते हैं। अब मैं इसको दीवार के पीछे लेके जाता हूँ तो आप देखिए इसने दीवार का एक्सपोजर ले लिया है। जैसे ही मैं दीवार से बाहर आता हूँ आपका फ्लिकर होता है एकदम से, बहुत ज़्यादा फ्लिकर होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपने क्लिक नहीं किया है ईसा खान के ऊपर तो वो आपका जो भी चीज़ है उस चीज़ को फोकस लेगा। लाइक इसने स्टार्टिंग में इस वॉल को फोकस लिया उसके बाद उसको लग रहा है फोकस आपको ईसा खान को करना है तो वो ईसा खान को फोकस कर रहा है तो कंटिन्यूस फोकस में चल रहा है आपका मोबाइल इस वक्त। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टेक्निक दिखाता हूँ। जब मैं ईसा खान टूम के ऊपर टैप करता हूँ फॉर द एक्सपोजर तो मेरे मोबाइल ने एक एक्सपोजर ले लिया है इस वक्त एंड आई विल प्रेस अगेन बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा एक्सपोजर वाला बाहर जाए इस वक्त। सो आई विल प्रेस अगेन एंड नाउ आई विल, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे की तरफ आपको ऑटो फोकस लॉक दिख रहा है, AF लॉक दिख रहा है। दैट मींस कि अब आपका जो फोकस है वो नहीं चेंज होगा लेकिन एक्सपोजर अभी भी आपका चेंज हो रहा है। अगर आप देखें तो फोकस चेंज नहीं हो रहा, अब पहली वीडियो की तरह ये वॉल के ऊपर फोकस नहीं कर रहा लेकिन इसने ईसा खान टूम का फोकस ले रखा है। दैट इज ब्लर, द वॉल इज ब्लर। लेकिन जैसे ही मैं बाहर लेके आता हूँ इसका एक्सपोजर चेंज हुआ एंड ईसा खान टूम इज इन फोकस बट स्टिल द ऑटो एक्सपोजर लॉक इसके अंदर नहीं है अभी भी। तो अब जो मैं आपको थर्ड दिखाऊंगा वो है आपका इनबिल्ट जिसके अंदर आपको ऑटो एक्सपोजर लॉक मिलता है सैमसंग M31S में। तो विच इज़ दैट कि जब आप प्रेस करें इसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ले सपोज मैं यहाँ पे ईसा खान टूम शूट कर रहा हूँ तो मैंने टूम के ऊपर प्रेस किया, आप अपना ये जो प्लस माइनस वाला जो बार है ना उसको हल्का सा ऊपर नीचे कर दीजिए जहाँ पे भी आपको सही लगता है, चाहे नीचे करिए चाहे ऊपर करिए डिपेंड ऑन यू, कहीं पे भी कर दीजिए लेकिन आपको इसको मूव करना ही करना है, हल्का सा छेड़िए एंड नाउ यू बटन ऑफ रिकॉर्डिंग एंड अब आपका जो ऑटो एक्सपोजर है वो लॉक है। अब देखिए वॉल बिल्कुल डार्क, आपका ईसा खान टूम बिल्कुल एक्सपोजर में, वॉल बिल्कुल डार्क, अब देखिए बिल्कुल डार्क और आपका ईसा खान टूम एकदम फोकस। ऑटो फोकस भी लॉक है, ऑटो एक्सपोजर भी लॉक है आपका। तो दिस इज़ समथिंग रियली कूल टेक्निक इन सैमसंग M31S। अब वो इन्होंने डबल टैप करके रखने वाला फीचर इसमें से हटा दिया है जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि इसके अंदर ऑटो एक्सपोजर लॉक का फीचर नहीं मिल रहा। लकीली मेरी कुछ यूट्यूब वीडियो शूट करते वक्त मुझे इस फीचर का पता चला एंड आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो मेनी पीपल आस्क मी कि ऑटो एक्सपोजर लॉक हमें नहीं मिल पा रहा। सो नाउ यू नो हाउ टू डू अ ऑटो एक्सपोजर लॉक इन योर Samsung Galaxy M31S. Thank you so much guys for watching this video. Keep following me on Instagram to follow my photography journey. I will see you in the next video. Till then, stay at home and be safe.